ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो वर्किंग एरिया है या आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उस में किसी भी बात को लेकर अड़ियल व्यवहार मत रखिएगा, ऐसी सोच मत रखिएगा, नेगेटिव अप्रोच मत रखिएगा। हो सकता है कभी किसी और की सोच भी सही हो। बिजनेस में निश्चित तौर पे प्रॉफिटेबल सौदे आज मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पानी की। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप ऐसी कोई योजना या ऐसी प्लानिंग मत बनाइएगा जो कम समय में ज़्यादा फायदा देने वाली हो। आज जो भी बात करिएगा वो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनुराशि। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज केवल उतना ही काम संभालिएगा जितना आपके लिए सहज हो। पैसों के मामलों में दूसरे लोग आपको चाहे जो भी सलाह दें, जितनी भी सलाह दें, आज आप वही करिएगा जो आपका मन कहता हो। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बदलती परिस्थिति के साथ अपने आप को ढाल लीजिएगा। आपके आसपास यदि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं, तो अपनी आंखें खोल लीजिएगा आज, नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई, नुकसान आपका हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले उस क्षेत्र से संबंधित जो भी एक्सपर्ट हो उसकी सलाह ले लीजिएगा। और नम्रता भरा व्यवहार आज आपको बनाए रखना है, अहंकार की भावना से अपने आप को दूर रखना है, आपका नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशन से लड़ने की बजाय उस सिचुएशन में अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखिए, जितना भी सिचुएशन से परिस्थितियों से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, उतनी ही परिस्थितियां आज बिगड़ती भी चली जाएंगी। आज आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने एफर्ट्स रेगुलर करने रहने हैं। दूसरों की बताई लकीर पर आज मत चलिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को थोड़ा सिंदूर अर्पण करके चलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की तरफ बढ़ने के पावर मंत्र की तरफ हम बढ़े, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। संजू जी हैं किशनगढ़ से, इनकी जन्म की तारीख है 4/10/1989 और इनके जन्म का समय है रात का 8:15 का। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जी पंडित जी, आपने मुझे मूंगा रत्न बताया था, तो वो कौन सा रत्न पहनना है? अच्छा, देखो बेटा, आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच का है। मन के घर का, सुख के घर का कारक जो है चंद्रमा, वो नीच का होके अष्टम भाव में खड्डे में आके बैठ गया। मन बड़ा अशांत रहता है आपका, और जब तक मन शांत नहीं हो तब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको मन का सुख प्राप्त हो, शरीर का सुख प्राप्त हो, तो जो नीच का चंद्रमा है उसकी शांति के लिए आपको दो उपाय करने हैं। पहला तो करना है आपको एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, बंद हो पूरा। दूसरा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में मंगलवार के दिन सीधे हाथ में राइट हैंड के अंदर आपको धारण करना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सफ़ेद कपड़े लगभग पहनना बंद कर दीजिए, वाइट क्लॉथ्स नहीं पहनने आपको, जितना हो सके रेड क्लॉथ पहनिए। लाल रंग के, हरे रंग के कपड़े आप धारण करें, निश्चित तौर पे फायदा होगा। बुध की महादशा, शनि का अंतर, 2017 मिड के बाद आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पीरियड शुरू हो जाएगा। हर लिहाज से, विवाह के लिहाज से, घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सुख, नौकरी, कैरियर, हर लिहाज से आपका जो बेस्ट पीरियड है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2017। सरल से उपाय करते रहिएगा। सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में अवश्य जाइए, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए, जिससे नीच का चंद्रमा जो है उससे शांति मिलती है। ओम जूम से, ओम जूम से, ओम जूम से इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते रहिए। चलिए दर्शकों, आप जानते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की आराधना का दिन है। हनुमान जी महाराज एक ऐसे महाराज हैं, भगवान हैं, जो कि जिन्हें अजर अमर माना गया है, यानी आज भी इस धरती पर मौजूद है।
और बहुत ही सरल प्रयास करने से ही वो शीघ्र प्रसन्न होकर हमारी सहायता को आ जाते हैं। हनुमान चालीसा को यदि हम ध्यान से पढ़ें और समझें तो उसके बाद एक बात का पता चलता है कि हनुमान जी महाराज ही इस कलयुग के सबसे जागृत देवता हैं, जो अब भक्तों के सभी तरह के कष्टों को, विघ्नों को दूर करने के लिए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शर्त ये रहती है उनकी कि भक्त का अपने कर्मों के प्रति सजग रहना भी जरूरी है। कुकर्मी का साथ तो कोई नहीं देता। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हनुमान जी महाराज की कौन कौन सी साधना से किस तरह के कष्ट जो हैं वो दूर हो सकते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हो, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता है। कारागार का, कभी जेल जैसी जगह का सामना नहीं करना पड़ता है। हनुमान चालीसा का इतना इम्पोर्टेंस बताया गया है। हनुमान चालीसा बच्चों को भी याद करानी चाहिए, खुद को भी पढ़नी चाहिए। एक हनुमान चालीसा ऐसी है जिससे कि आप अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही हनुमान जी महाराज की आराधना का जो दूसरा जो तरीका बताया गया है वो है बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का पाठ, जब आप जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हो, आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, तो ऐसे विकट समय में बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है। बजरंग बाण का जो पाठ है, एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए। निश्चित तौर पर बड़े से बड़े संकट से बड़े कष्ट से मुक्ति मिलती है। तीसरा जो तरीका है हनुमान जी की आराधना का, वो है हनुमान बाहुक का पाठ। हनुमान बाहुक, जिस तरीके से हनुमान चालीसा होती है, बजरंग बाण होता है, ठीक उसी तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ होता है। तो यदि आप गठिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वात जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, सिरदर्द जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि, इस तरह के जो दर्द से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करिए। प्रतिदिन उस पाठ के पश्चात में उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखिए। निश्चित तौर पर भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इतना पावरफुल है हनुमान मंत्र। यदि आप अंधेरे से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं, किसी भी प्रकार का भय आपको सताता है, तो आप हम हनुमन्ते नमः, ओम हम हनुमन्ते नमः, इसका 108 बार जाप करके सो जाइए और रात को सोने से पूर्व हाथ पांव कान नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर इस मंत्र का जाप करना। निश्चित तौर पर भूत पिशाच तो आपके पास आ ही नहीं सकते हैं, सपने भी नहीं आएंगे। हनुमान मंदिर प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चना अर्पित करें, घर में निश्चित तौर पर सुख शांति रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।